सर, ये आजमगढ़ में बेहद रूप से छापेमारी की गई है, इलीगल रूप से चल रहे अस्पतालों को आपने सील किया है, क्या है पूरा प्रकरण और अब तक कितनी कार्रवाई हुई है? ये काफ़ी समय से अखबारों में भी समाचारों में भी शिकायत आ रही है कि बहुत जगह झोला छाप चिकित्सक चल रहे हैं, बगैर चिकित्सक के चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आए तो उनके द्वारा निर्देश दिया गए हैं कि इसके विरुद्ध तो कड़ी कार्रवाई की जाए। उसी के क्रम में हमने जो तहसील स्तर पर टीम बना के ये कार्रवाई कराई जा रही है, जिसमें अब तक हमारे द्वारा 65 संस्थानों का निरीक्षण किया गया है, जिसमें 57 नोटिस जारी किया गया तथा 17 को सील किया गया है। जी, मतलब 57 को नोटिस जारी किए गए, तो क्या वो कमी की वजह से? हाँ, उनमें जैसे डॉक्टर नहीं मिला उस समय, पंजीकृत है डॉक्टर नहीं मिला, या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिला, या दूसरी पैथी का इलाज कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड दूसरी पैथी में है और पंजीकृत हमारे एलोपैथिक का इलाज कर रहे हैं, जी तो इस तरह की ये कमियाँ पाई गई हैं। इनके विरुद्ध जो है कार्रवाई चल रही है, अभी तो आगे भी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। 17 हॉस्पिटल को अब तक सीज किया जा चुका है। कस्बे और शहरों के अलावा क्या गांव ग्रामीण इलाकों में भी आपका? तहसील के अंतर्गत जो भी कस्बे, तहसील, गांव जो भी आए हैं, सब पर कार्रवाई हो गई है। मैं तहसील स्तर पर जिम्मेदारी देगी कि आपकी जिम्मेदारी कोई भी बिना पंजीकरण के कोई हॉस्पिटल न चलने पाए। आगे भी ये क्रम जारी रहेगा? अभी आगे भी ये क्रम चलता रहेगा जब तक हम पूरी तरह से इनको कंट्रोल परीक्षण ना कर लेंगे। जी, ठीक सर।